अल्लाक कैसे हैं आप साहब अलहमद ला मैं ठीक ठाक एंड बैक विदर पार्ट सेकेंड सिक्वेंट ऑफ माई प्रीवियस वीडियो द टॉपिक इज़ एटमोस्फियर एज यू ऑल कैन सी टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू फ्राम एम जी सेवन फर्स्ट फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे विच इज़ रिटन बाई एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे विच इज़ रिटन बाई आर के नारायण आर के नारायण इज़ आवर फर्स्ट ऑथर Uh, from the booklet of short story. Okay, so till that uh, till this word, I have uh, finished it up in my last video, and I will start from this word. Okay, and uh, uh, this video will be uh, will be last uh, for the atmosphere for the par paragraph of atmosphere. As you all know the meaning of atmosphere, and in the beginning of this booklet, I have uh, I have been explained it uh, very properly that there are uh, some important elements which uh, इक्वली पार्टिसिपेट इन मेकिंग अ पर्टिकुलर स्टोरी और राइटिंग इन इट ओके सो एटमोसफियर इट मीन्स फिज़ा माहौल लाइक like, आपको ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है समझाने की कोशिश कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों को गैदर करके पेंट डाउन करके छोटी छोटी चीज़ों को ये माहौल किस तरीके से बनता है तो इस पैराग्राफ में भी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में आर के नारायण ने यही समझाने की कोशिश की है कि Uh, जो है किस तरीके से uh, कौन कौन सी चीज़ें गैदर्ड होके एस्ट्रोलॉजर के लिए uh, एक मुनासिब सा माहौल क्रिएट कर रहा है ठीक है वे शो फ्रोसली वाइन विथ ईच अदर टू अट्रैक्ट द क्राउड ठीक है वे शो फ्रोसली का मतलब होता है सॉरी वसी फिरोजली वसीफ़ रेस्ली का मतलब होता है वसीफ़ रेस्ली का मतलब हो गया कि किधम बचाने वाले लोग ईमानदारी के साथ कुछ उसूलों को फॉलो करते हुए एक गेम है जिसको खेला जाता जा रहा है और वो ऊधम मचा रहे हैं शोर मचा रहे हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं द लाइट एंड स्मोक ऑफ द क्रैकलिंग फ्लेयर अबव द ग्राउंड नाउंड नट ठीक है अबब द ग्राउंड नट जो मूँगफलियाँ भूनने वाले हैं ग्राउंड नट्स जो है वो मूँगफलियाँ हैं मूँगफलियाँ जो भून रहे हैं तो उसमें से एक लाइट है आग की एक रोशनी है धुआं है और शुआ निकल रही हैं और उसमें मूँगफली में क्रैकलिंग हो रही है यानी कि फूट रही हैं वो फट रही हैं वो ठीक है ग्राउंड नट्स के ऊपर से ठीक है हीप एंड हिसिंग गैस लाइट एक्चुअली इन टू द मिक्सट ऑफ अबीवाइल्ड रिंग क्रिस क्रॉस ऑफ शाफ्ट्स ऑफ लाइट आ, हिस आ, हीप एंड हिसिंग गैस लाइट्स ऊँची उठती हुई गैस लाइट्स की जो शुआ हैं, हिसिंग आवाज है जो हमें एक दरअसल हमें उस दरमियान में एक शोर शराबे वाले होश उड़ा देने वाले माहौल के बीचों बीच लेके जाती है जहाँ पे लाइट की जो एक क्रॉस क्रिस क्रॉस एक शेफ्ट बन रही है क्रॉस एक कतार सी बन रही है ठीक है मूविंग शेडोज एंड डिफिनिंग दिन दिन नहीं है ये यह यहाँ पे दिन ही लिखा गया है ठीक है इंग्लिश को यूज़ किया गया है दिन लिखने के लिए uh, और चलती फिरती परछाइयाँ हरकत करती हुई परछाइयाँ और एंड और डिफिनिंग दिन और दिन को वो uh, ख़त्म कर रही हैं ठीक है थीके? दिन ख़त्म हो रहा है शाम शुरू हो रही है जस्ट द राइट सेटिंग फॉर एन एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल ही मुनासिब और सही सेटिंग है एस्ट्रोलॉजर का जैसे मैंने पहले बताया कि आर के नारायण इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड ही ऑलवेज राइट्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट क्लासेस पीपल सो इन दिस स्टोरी एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी एंड द इज़ द एलिमेंट्स इज शोइंग यू द डिफरेंट एलिमेंट्स इज अबाउट द ऑथेंटिकिटी ऑफ द स्टोरी इज दैट लाइक Uh, he is also um, in, he is also introducing the um, some kind of problems or the or the atmosphere or or the circumstances of that class of पीपल ओके okay? वो इन्हीं किस्म के लोगों के माहौल को इन्हीं किस्म के लोगों के हालात को इस इन छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके के छोटी छोटी वाक्यों को छोटी छोटी बातों को सामने रख कर के उसे वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है वरना तो हाई क्लास सोसाइटी में ये सब कहाँ से नज़र आता है बिल्कुल भी हमें ये नहीं नज़र आता है definitely they belong uh, to they just go to malls and they to go to supermarkets and in inside of the supermarket and inside of the malls you will not see these type of things okay so these all types of things are appear um, in between the middle class people and Uh, you will find such type of uh, uh, road vendors and medicine sellers on the road and uh, a kind of playing uh, is happening uh, beside the corner of the road and beside of the corner of the grounds anywhere so इस तरीके की चीजें हमें वहीं मिलती हैं हमें हाई फाई सोसाइटी में इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कहने का कि इस कहानी के एटमोसफियर को वाजे करते हुए आर के नारायण कहीं ना कहीं वही मिडिल क्लास लोगों के हालात को उनके सरकमस्टांसिस को ए, एमिनेंटली ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं नुमाया तौर पर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक आई एम क्लियर ओके द एटमोसफियर प्रिपेयर्स अस फॉर वॉट इज़ टू फॉलो और ये माहौल जो है हमें तैयार करता है कि अब क्या होगा या हमें किसके हमें अब क्या सम, समझ में आने वाला है हमें यह पढ़ने के लिए क्या मिलने वाला है ठीक है या हम किस चीज़ को समझने जा रहे हैं एंड लेंस ऑथेंटिसिटी टू द एंटायर एपिसोड एंड एक्सपीरियंस ठीक है और हमें क्या, क्या क्या दिखाने की कोशिश करता है हमें किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है ये सारा एटमॉस्फेयर ये सारी तैयारियाँ क्या है हमें उसकी प्योरिटी की तरफ इसकी uh, खालिस् होने की तरफ इसकी प्योर होने की तरफ लेके जाता है पूरा एपिसोड और पूरे तजुर्बे को दिखाने की कोशिश करता है ठीक है मुकम्मल एपिसोड और एक्सपीरियंस को तजुर्बे को दिखाने की कोशिश करता है तो बेसिकली uh, इनके सारी ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रॉम इन माई प्रीवियस पैराग्राफ टिल देयर द पैराग्राफ वॉज एक्सप्लेंड एंड फ्राम हेयर आई हैव हैविन आई हैव एक्सप्लेन इट एंड आई थिंक आई एम रेली वेरी क्लियर सो मेरा ट्री थी एंड टमरिन ट्री थी और सर्जिंग क्राउड्स था मेडिसिन सेलर था और कुछ स्टॉल हार्डवेयर था मेडिशियंस थे ठीक है ऑक्शीनियर्स थे सब कुछ था वहाँ पे इस तरीके का एक बाज़ार सा लगा हुआ है और वहीं एक कॉर्नर पे एस्ट्रोलॉजर्स डे का पूरा एक माहौल सेटअप बनाने की कोशिश करें वहीं एक कॉर्नर पे एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपने कपड़े के साथ अपनी चीज़ों के साथ अपनी कावरी शेल्स के साथ अपना पीस ऑफ स्क्वायर क्लॉथ के साथ बैठा हुआ है ठीक है तो ये एटमॉस्फेयर का पैराग्राफ यहाँ ख़त्म होता है और नेक्स्ट मेरा वीडियो मेरी वीडियो जो होगी वो टू पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री है कैरेक्टराइजेशन इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा और मैं बहुत जल्द इसे एक्सप्लेन करूँगी और वीडियो अपलोड करूँगी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही जजाकल्ला इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन देन कम टू कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेनिंग ओके जजाकल्ला